गांव मथाना में भट्टा पर मजदूर की हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर हासिल किया 2 दिन का पुलिस रिमांड। 2 अप्रैल 2023 को थाना सदर थानेसर में दिए अपने बयान में शिव कुमार उर्फ गुड्डू पुत्र सुखराम वासी मलिकपुर जिला रायबरेली यूपी ने बताया कि उसके पिता सुखराम करीब 5 महीने से लक्ष्मण दास वासी गांव मथाना भट्टा पर मजदूरी का काम करता था। 1 अप्रैल 2023 को समय करीब 8 बजे रात के उसने अपने पिता के फ़ोन पर उसका हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया था, जो उस समय उसके पिता के साथ कुछ अन्य व्यक्ति भी शराब पी रहे थे। जब उसने इस बारे में पूछा तो उसके पिता ने उसे बताया कि ये उसके साथ इसी भट्टे पर काम करने वाले प्रेमवासी पिंडोल जिला बदायूं यूपी व संजय वासी आर्यनगर कॉलोनी शहजादपुर यूपी हैं, जो उसके साथ किसी बात को लेकर गाली गलौज कर रहे हैं। 2 अप्रैल 2023 को सुबह ही उसके पास मथाना भट्टा से फोन आया कि उसके पिता सुखराम की किसी ने हत्या कर दी है। जब उसने भट्टे पर जाकर देखा तो उसके पिता की लाश भट्टे के पास खाली जगह में पड़ी थी तथा उसके गले में उसकी ही कमीज का फंदा लगा हुआ था, जिसके नाक कान व मुंह से खून निकल रहा था। जिसके बयान पर थाना सदर थानेसर में हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस द्वारा जांच शुरू की गई। 6 अप्रैल 2023 को अपराध अन्वेषण शाखा वन की टीम ने भट्टा मजदूर की हत्या करने के आरोप में प्रेम सिंह वासी उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को शुक्रवार को अदालत में पेश कर 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। एक भट्टे पे लेबर में काम करते थे, एक सुखराम नाम का व्यक्ति था जो लेबर में काम करता था, और उसको 1 तारीख की रात को करीब 8:30 बजे उसी के एक साथी ने, लेबर में जो काम करता था वहीं भट्टे पे, उसी के एक साथी ने शराब पीने के दौरान झगड़े में उसकी हत्या कर दी थी, गला दबाकर और अन्य चोटें मार के, और वो मार करके उसको फरार हो गया था। लोकल पुलिस ने सदर पुलिस स्टेशन तुरंत FIR दर्ज की, उच्च अधिकारियों ने दिशा निर्देश दिए, SP साहब के दिशा निर्देश पे टीमें अलग अलग गठित करके, जिसमें सब इंस्पेक्टर सरनजीत, ASI राजेश वगैरह की टीम ने अलग अलग स्थानों पे रेड करके जो आरोपी को अपना गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके और आज उसको न्यायालय में पेश करेंगे। जो अपना वारदात में, हत्या में प्रयोग जो भी हथियार है उसको बरामद करेंगे, और कहाँ ये रुका है और उसका मोबाइल भी मिसिंग है, मोबाइल के बारे में भी, और क्या इस हत्या के अंदर कोई और तो शामिल नहीं है, उसके बारे में भी छानबीन की जाएगी, क्योंकि FIR जो है वो बाय नेम 2 व्यक्तियों के खिलाफ, लेकिन अभी प्रथम दृष्टांत में इस व्यक्ति ने खोल किया है कि इसका अकेले का उसके